एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। और आज हम भाषा भारती हिंदी क्लास फर्स्ट का पार्ट थर्ड करेंगे, जिसका पेज नंबर है 15। आप पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। और पेज नंबर 15 के ऊपर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए चिड़िया का बच्चा है ना, इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये कर्सर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। एक घोंसले, ठीक है। एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था, ठीक है। एक दिन की बात है कि घोंसले में बैठे नन्हे से बच्चे ने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, किंतु डर कर उड़ न सका। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है कि घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा बैठा हुआ था और वो अपनी माँ के साथ रहता था। अब एक दिन घोंसले में उसने उड़ने के लिए पंख को फड़फड़ाए हैं, तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और वह उड़ ना सका और वहाँ का तहाँ चिपक कर बैठ गया। वो डर के मारे उड़ा नहीं और वहीं का वहीं बैठ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसमें आप देखें उसमें आगे क्या है। आगे इसमें ये कर्सर यहाँ पर रखा हो, यहाँ पर ध्यान दें। उसे डरा देख कर उसकी माँ ने कहा, डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे। देखिए क्या कहा माँ ने उनकी, कि अगर डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे, है ना। तो इसके आगे आगे चलते हैं। चलो फिर कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने फिर कोशिश प्रयास किया और कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वापस से कोशिश करो। यह कहते हुए माँ ने उसे घोंसले से बाहर कर दिया। थोड़ी ही देर में नन्ना पक्षी माँ के साथ साथ आकाश में उड़ान भर रहा था, ठीक है। तो इसमें शिक्षा, इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी में हमें पता लगता है कि वो पहली बार उसने उड़ने का प्रयास किया, कोशिश करी, पर वो ना उड़ सका। पर माँ ने उसे हौसला दिया कि मैं साथ हूँ, आप डरो मत और उड़ो। और दूसरी बार कोशिश की तो वो अच्छे से माँ के साथ उड़ने लगा। तो हमें शिक्षा मिली कि आप भी अगर एक बार रीड नहीं कर पा रहे हैं या राइटिंग गड़बड़ हो रहा है या किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही, तो बार बार प्रयास करें, डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से आगे पहुँचेंगे। अब आप पेज नंबर 16 पर आ जाइए। 16 पर आप देखिए कि आओ हम सब खेले खेल, मतलब इसमें आपको एक कविता दी गई है और इसी के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको कि आओ हम सब खेले खेल, एक इंजन बाकी सब रेल। तो आप देखते हैं कि एक जो स्कूलों में भी क्लासों में भी आप देखते हैं कि कई बार हम रेल की तरह डब्बे टाइप एक लाइन में से बन जाते हैं, जैसे इसमें चित्र में दिया गया है। कि ये देखिए ये बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं कर्सर में, आप देखेंगे ये कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये एक बच्चा है और इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरा है, इसने इसका पीछे से शर्ट पकड़ा हुआ है, ये थर्ड है, इसने इसके ये फोर्थ है और ये आगे। तो इस तरह से गोल 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 घूम रहे हैं और रेलगाड़ी की तरह। तो ये रेलगाड़ी की तरह जो है, मतलब इसमें एक्सरसाइज भी होती है और भाग रहे हैं और आगे जो है वो सब डिब्बा है, बाकी सब रेल है। इस तरह की कहानी भी इसके बारे में बताई गई है। तो इसको पढ़ते हैं हम यहाँ से। आओ हम सब खेले खेल, एक इंजन बाकी सब रेल। छुक 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 चले चलो, आगे आगे बढ़े चलो। ठहरो सिग्नल हुआ नहीं, सबके सब अब रुको यहीं। तो यहाँ पर ये यह आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप घर पर जो है एक्सरसाइज है, या इस तरह से भाई बहन भी हैं तो इस तरह रेलगाड़ी बनाकर भी आप खेल सकते हैं। और एक शिक्षा भी मिलती है हमें कि हम कंटिन्यू बढ़े चलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर।